किशनगंज राजस्थान बिहार में तकलीफ 5 साल हो गया भैया, ये चलते चलते मैं नहीं देता मशीन के लिए बोला। हमारे कोई रिलेटिव है वो यहाँ से कहा कि ये ट्रीटमेंट मेरा दारू भाई है। अच्छा, उनकी मम्मी है तो उन्होंने बहुत प्रेरित किया मेरे को कि आप वहाँ एक बार जाओ, जाके दिखाओ, वही बातचीत की है बच्चा और वही भेजे हैं कि बोला एक बार आप जाइए। क्योंकि सबसे पहला चीज है भैया सुनाई देगा जब ना सब काम होगा, यही कहना चाहेंगे सर कि सबसे पहला शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और नहीं सुनाई देगा तो हम क्या काम करेंगे। नहीं सुनाई देने से मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा और दिमाग भी काम नहीं करता कि क्या काम करना है। सही सही बात। और सुनाई देता तो भीतर से मन बहुत खुश होता, डॉक्टर के पास आना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसकी बच्ची है, वो 5 साल की है, वो जन्म से ही नहीं सुनती है। तो मैंने बोला कि पहले मैं दिखा के आता हूँ, तो मैं ग्रुप का ये भेज दिया हूँ आपका, और मैं देखा, देख के मेरे से आया बात करने के। रात को 10:30 बजे वाइफ और मैं बात कर रहा था, जैसे मेरा मन में आया दोस्त को आता और फोन किया, बोला कुछ भेजा हूँ देख लेता, देख लिया। सुबह बात करने आया मेरे से, बोले पहले तुम जाके आओ, वो भी लाइफ बहुत परेशान है और बहुत जगह दिखाया आपको, समझे सर। अपना पैसे के पैसे की कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला चीज़ शरीर स्वस्थ, हाँ तो पैसे ही पैसा। मैं तो जहाँ भी गया ना सर, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को बेंगलोर में अच्छा लगा, ठीक है जो लगना जो करना, एक 35 होता ना कि हम आपसे बात किए तो मेरे मन में तसल्ली होना है ना, और बात बाकी कहीं भी किए बस वो करा लो ये करा लो और बस। आप क्या बोला था वहाँ का डॉक्टर, क्या बोला था? मशीन नहीं नहीं कान में क्या नस सूखा, क्या क्या बोल रहा था वो सब कुछ नहीं बताया। बोले क्या है कुछ अब बताएंगे ना कि किस कारण है क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई लिमिट तो है नहीं कि पेशेंट को जो आया उसको सबको देख लेना, छोड़ना किसी को नहीं, 10 मिनट में निकाल दिया। नस बोला था ना आपका, नस सूख गया वो बोला, वो विराटनगर में गया वो बोला, विराटनगर में बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल और एयर का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो वहाँ भी जो जैसे बोला कहीं भी ठीक हो जाए, हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो भगवान से एक ही चीज़ बोले कि भगवान मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मेरा क्यों बिगाड़ा, यही काम आता है।